अपलोड really uh, दिन दिन नहीं कर पा रहा था इसी वजह से क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजी हो गया था अपने शेड्यूल में फिर से सो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट एंड अब ऐसा कुछ नहीं होगा अब रेगुलर कंटेंट आने वाला है तो तैयार रहो एंड बहुत तगड़ी वीडियो है इसको लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि जो चीज मैं बताने वाला हूं जो मैंने इसका टाइटल रखा है अ मिलियन डॉलर टैप ये सच में अ मिलियन डॉलर टैप के बराबर ही है तो लास्ट तक जरूर देखना गाइस अगर आप नए हो इस चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना बिकॉज ऐसे ही और ज्यादा कंटेंट लेके आने वाला हूं बहुत वैल्यूएबल ज्यादातर लोग जब सेल्स इंडस्ट्री में आते हैं तो उन्हें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं एंड वो चैलेंजेस कुछ ऐसे होते हैं कि स्टार्टिंग में आपको बिल्कुल भी रिजल्ट ही नहीं आते हैं आप बहुत ज्यादा हार्डवर्क करते हो क्या आपके साथ भी ये होता है कि आप हार्डवर्क कर रहे हो आप वन टू वन कस्टमर से डील कर रहे हो आप ऑन जूम पे आप कस्टमर से डील कर रहे हो आप इनसाइड uh, सेल्स में हो या डायरेक्ट सेल्स में हो बट मुझे रिजल्ट ही नहीं आ रहे हैं मैं ट जो भी मैंने इंप्रूव किया मैं uh, जो अपनी uh, ट्रिक्स है उन्हें भी इंप्रूव कर रहा हूं स्किल्स को ही पॉलिश कर रहा हूं बट रिजल्ट ही नहीं आ रहे हैं सो so, कैसे हम उस उस नेगेटिव माइंडसेट से पॉजिटिव माइंडसेट में आए ये चीज आपके साथ भी होता कोई अगर फ्रेशर है प्रेशर होता, होता है प्रेशर किस चीज का होता है एक बात ध्यान सुन, एक बार इसको बहुत ध्यान से सुन लो कि अक्सर लोग ये बोलते हैं मैंने ज्यादातर लोगों को सुना है कि यार सेल्स इंडस्ट्री में ना मैं नहीं करना चाहता वहां पर ना प्रेशर होता है बट Guys, एक, एक बात अंडरस्टैंड करने की बहुत छोटी सी क्या है कि प्रेशर किस चीज का होता है डू यू नो अबाउट दैट किस चीज का प्रेशर होता है प्रेशर होता है जब हमारे टारगेट्स कंप्लीट नहीं होते उस चीज का प्रेशर होता है प्रेशर होता है तुम्हारे डेली टारगेट्स का और अच्छा मैं तुमसे एक क्वेश्चन करता हूं अगर वो डेली टारगेट्स तुम्हें टारगेट्स लगे ही ना तो तो किस चीज का प्रेशर होगा अगर तुम्हें टारगेट दिया जाए वन लाख रेवेन्यू का एंड आप जनरेट करो टू लाख रेवेन्यू इतने आपके स्किल्स पॉलिश है तो आपको क्या टारगेट सच में टारगेट लगेगा नहीं लगेगा तो इस चीज का आंसर इतना सा है जिन लोगों को प्रेशर फील हो रहा है स्टार्टिंग में ये होगा और सबके साथ होता भी है तो आपको क्या करना है अपने स्किल्स को बहुत ज्यादा पॉलिश करना है थर्ड थिंग जो ज्यादातर लोगों को ये चीज बहुत ज्यादा लगती होगी कि यार सब कर लिया ट्रेनिंग्स भी ढंग से लगाई और जो चीजें थी उनको इंप्लीमेंट भी किया बट क्लोजिंग ही नहीं हो रही है क्या यार मेरा किस्मत ही कुछ ऐसी है कि क्लोजिंग नहीं हो पा रही है तो वट कैन बी डू इन दैट मैटर तो ना एक इस वीडियो की जितना भी मैंने प्रॉब्लम आपसे शेयर की ना उस सभी का सिर्फ एक सिंपल आंसर है आपको पता है उसका क्या आंसर है जो आपका आंसर है आपको लगता है कि ये आंसर आ, मेरे अकॉर्डिंगली होना चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके मुझे बताना कि आपका क्या आंसर होगा इन सिचुएशन पे एंड अगर आपको जो मैं अभी आंसर बताने वाला हूं वो सही लगे तो यस जरूर टाइप करना कि जो चिराग आपने जो बोला है वो बिल्कुल सही बात की है ठीक है मुझे जरूर बताना मुझे सुनना है आप लोगों से कि क्या क्या मैं सही बात कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं गईस इन सभी प्रॉब्लम का ना सिर्फ एक सिंपल सा आंसर है दैट इज जब भी हम कस्टमर को क्लोजिंग करते हैं ना उससे पहले हम कस्टमर की लाइफ में वैल्यू ही नहीं एड करते हैं यार गाइस आप एक बार सोचो अगर मैं इस वीडियो में आपको वैल्यू ऐड नहीं करूंगा तो क्या आप ये फ्री में दी गई हुई वी, वीडियो भी नहीं देखना चाहोगे क्यों क्योंकि मैं वो वैल्यू ऐड नहीं कर पा रहा हूं तो अगर अगर आपको किसी की पॉकेट से मनी निकालना है तो आपको उसको कुछ ना कुछ वैल्यू तो देनी होगी ना तो उसकी लाइफ में जो आप करना चाहते हो सपोज आपके पास कोई कोर्स है एंड वो आप चाहते हो उस कोर्स को आप जो जो भी आपका कस्टमर है वो आपसे कोर्स बाय करे तो आप कैसे करोगे कैसे वैल्यू एड करोगे आप इस तरह से कर सकते हो फर्स्ट थिंग आपको उसको सारी चीजें बतानी है कोर्स के बारे में एंड उसको थोड़े से ग्लिम्स दो उसको थोड़ी सी वीडियो शेयर कर दो ताकि उसे पता चल जाए कि कोर्स से उसको फायदा क्या मिल रहा है उसको थोड़ा सा ट्रायल कोर्स के लिए दे दो कि यार सर आप ये चीज ट्राई करके देखिए आप मुझे एक बात बताओ आपने देखा होगा ज्यादातर जहां पर हनी, हनी सेल कर रहे होते हैं या फिर जहां पर कुछ पिकल सेल कर रहे होते हैं वो ट्राई करने के लिए लेते हैं सर टेस्ट तो करके देखो एक बार तो वही आप टेस्ट तो करवाओ कस्टमर को एक बार कि आप सर्विस या आप क्या चीज प्रोवाइड कर रहे हो अब अगर आप एक बार कस्टमर को वो चीज बता दोगे तो वो डिसीजन अच्छे से ले पाएगा आपको कभी ऑब्जेक्शन नहीं उठाएगा क्योंकि उसको उस चीज में ऑब्जेक्शन होगा ही नहीं उसको पता है कि मुझे ये मिलने वाला है गाइस तो इस चीज को बहुत ज्यादा ध्यान में रखो एंड ये टिप आपको कैसी लगी है अच्छी लगी हो तो मुझे कॉमेंट जरूर करके बताना एंड डू सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक यू वेरी मच गाइस